इलाहाबाद में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संतों के कार्यक्रमों में शामिल होकर एयरपोर्ट लौट रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के काफिले के बीच क्यों बेखौफ कूदी थी समाजवादी छात्र सभा की महिला नेता, जो कि राष्ट्रीय स्तर के सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कदावर नेता की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में बड़ी चूक थी। ये एक बड़ा सवाल है, जबकि इससे भी एक बड़ा सवाल है कि फ्लीट के आगे अचानक काले झंडे लेकर आ जाने और विरोध में नारेबाजी करने पर एनएसजी कमांडो और लोकल पुलिस ने क्यों बिना महिला पुलिस के दोनों लड़कियों को बेदर्दी डंडों से पीटते हुए उनके साथ बदसलूकी की थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन लोगों ने अमित शाह को इलाहाबाद में दिखाए थे काले झंडे और विरोध में किया था नारेबाजी, जिसके बाद पुलिस और कमांडो ने महिला नेता को घसीटते हुए किनारे लाकर डंडों से पीट कर लिया गिरफ्तार। इसके बाद भी पुलिस की बदसलूकी नहीं रुकी और एक पुलिस वाले ने हा यादव के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए पुलिस जीप में बैठाया था। अब सवाल ये उठता है कि बगैर महिला पुलिस के पुरुष पुलिस वालों ने महिलाओं छुआ क्यों, फिर उनसे मारपीट की, गाली गलौज किया। अमित शाह के सुरक्षा कमांडो ने महिला नेता को घसीटते हुए पुलिस की जीप में ठूंस दिया और दूसरे ने डंडे चलाए, जबकि धूमनागंज के थानेदार ने रोकना चाहा, उनके हाथ में भी डंडे पड़े। इलाहाबाद शहर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उनकी योगी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौर आ रहा है। वे गुरुवार पूर्णिमा पर्व के महोत्सव में संतों के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेताओं और महिला छात्र नेता ने उनके काफिले को काला झंडा दिखाया, जिसके चलते पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को समाजवादी छात्र सभा की महिला नेता ने दिखाए काले झंडे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोध छात्रा है, जिसे विश्वविद्यालय पिछले साल से तमाम अर्जी देने के बाद भी हॉस्टल अलॉट नहीं कर रहा। ऐसी तमाम मांगों को लेकर वे कल सड़क पर उतरी थी। वहीं अब समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि क्या किसी को भी लोकतंत्र में अपनी बात या किसी भी तरह का विरोध करने का कोई हक नहीं है। लोकतंत्र वेंटिलेटर पर चल रहा है, इसका उदाहरण कल इलाहाबाद में देखने को मिला। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलाहाबाद में आते हैं, तमाम पूरे इलाहाबाद के अंदर अलग अलग जगहों पे युवाओं को, छात्रों को बंदी बना लिया जाता है, उनको जो है नज़रबंद कर दिया जाता है थाने के अंदर। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आज जब पूरे देश में केंद्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी को डर किस बात का है जिसके चलते वो छात्र नेताओं के साथ, युवाओं के साथ इस तरीके का अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रही है कि छात्र और छात्राओं को नज़रबंद कर लिया जा रहा है। और अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से काला झंडा दिखाने जाते हैं तो महिला छात्राओं के साथ न सिर्फ बर्बरता की जाती है बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार स्वयं जो इस लोकतंत्र के रक्षक यानी कि पुलिस बनती है वो खुद करती है। एसजी कमांडो एक महिला को जो है महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में उसके साथ उसको लाठी मारता है, उसके बाल पकड़कर खींचता है और उसको अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और उसके बाद उसको थाने में ले जाकर बंद कर दिया जाता है और विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि आज पूरे देश में लोकतंत्र वेंटिलेटर पर चल रहा है। आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप जवाब नहीं मांग सकते हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको उठाकर पुलिस बंद कर देगी, आपके साथ दुर्व्यवहार करेगी। तो ये बेहद निराशापूर्ण है और बेहद अफसोसजनक है। और ये वही पार्टी है, ये वही हम लोग प्रधानमंत्री जी से इस बात का सवाल पूछना चाहते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, लेकिन आज जब बेटियां सवाल पूछने जाती हैं तो आपकी पार्टी और आपके शासन प्रशासन के द्वारा बेटियों के साथ मारपीट की जाती है, अभद्रता की जाती है। इसका जवाब इस देश के मुख्यमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री। अगर आवाज उठाई तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाता है। ठीक ऐसा ही इन दोनों लड़कियों ने हा यादव और रमा यादव व किशन मौर्य के साथ किया गया है। जी हां, उनके खिलाफ भी इलाहाबाद पुलिस ने अराजकता करने, बवाल करने और खफीले में अवरोध उत्पन्न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि कल सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज गुरु पूर्णिमा पर्व के उत्सव से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे थे इलाहाबाद। इस दौरान उनको कई जगह काले झंडे दिखाने के प्रयासरत थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेता। दोपहर के 3:30 बजे जब अमित शाह का काफिला अपने कार्यक्रम को समाप्त कर वापस जा रहा था,
तभी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को धूमनगंज थाना इलाके में समाजवादी छात्र सभा की महिला नेता नेहा यादव ने दिखाए काले झंडे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने नेहा यादव को पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया। इस दौरान अमित शाह की सुरक्षा टीम में लगे सुरक्षा कर्मी ने नेहा यादव को डंडे से मारा। फिर एक पुलिस वाले ने उसके बाल पकड़कर खींचते हुए उसे जीप में धकेल दिया। फिलहाल नेहा यादव और उनकी साथी सहित एक और छात्र को धूमनगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस पूरी घटना के समय नेहा यादव को पकड़ने वाली कोई भी महिला पुलिस या महिला कर्मी वहां पर मौजूद नहीं थी। जूना अखाड़े के सिद्ध बाबा मौजगिरी आश्रम से संगम जाते वक्त भी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के काफिले के बीच इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के पास कुछ समाजवादी छात्र सभा के छात्र अमित शाह को काले झंडे दिखाने के फिराक में थे और काफिले के निकलते ही उन छात्रों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर बीच सड़क में आने का प्रयास किया गया कि पुलिस ने उन्हें दर्द दबोचा, पीटते हुए थाने ले गए और अमित शाह का काफिला बिना रुकावट के निकल गया। फिलहाल नेहा यादव और उनकी साथी सहित एक और छात्र को धूमनगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस पूरी घटना के समय नेहा यादव को पकड़ने वाली कोई भी महिला पुलिस या महिला कर्मी वहां पर मौजूद नहीं थी, जिन्हें आज कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। देखते रहिए सबसे तेज न्यूज के लिए इलाहाबाद ब्यूरो की रिपोर्ट। हर ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के लिंक को क्लिक करें और वहां सबसे तेज न्यूज के सामने की लाल आइकॉन की बटन दबाएं। साथ ही अपने कमेंट कर वीडियो को भी लाइक करें।